আসানসোল মুরগাসোল এলাকায় গুলি চালনার ঘটনায় জিতু সাউকে গ্রেপ্তার করেছে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ। বুধবার আসানসোলের মুরগাসোল এলাকায় গুলি চালানোর ঘটনায় জিতু সাউ নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার ধৃতকে আসানসোল আদালতে হাজির করে নিজেদের হেফাজতে চাওয়ার আবেদন জানাবে বলে জানা গিয়েছে পুলিশের সূত্রে। উল্লেখ্য, বুধবার দুপুরে আসানসোল দক্ষিণ থানার মুরগাসোল এলাকায় একটি গুলি চালনার ঘটনা ঘটে। আহত হয় বেসরকারি কোচিং সেন্টারের এক শিক্ষক সোনু সিং নামে এক যুবক। ঘটনার তদন্ত নামে আসানসোল দক্ষিণ থানার পুলিশ একজনকে আটক করা হয়েছে বলে জানান ডিসিপি অভিষেক মোদী। বৃহস্পতিবার ধৃতকে আসানসোল আদালতে পাঠালো পুলিশ। हम तो कुछ जान नहीं रहे सर, हम तो गए थे ड्यूटी, हमको छोड़ा था, हम कुछ देखे नहीं, ना हम सुने हैं ना जाने हैं। हम आके सुने कि मेरा लड़का को उठा के ले आया है, गया है थाना में उठा के लेके आया है, तो देख रहा है सुन रहा है, यही सब हम देख रहे हैं। लड़का बोला, लड़का से सवेरे अभी मिले तो बोला लड़का कि माथा में हमारा पिस्तौल छटा दिया था, कौन आदमी था देखने, मेरा माथा नीचे कर दिया था, हमको पता नहीं चला। इतना ही तो हम जानते हैं और कुछ जानते नहीं कि कहाँ का हो रहा नहीं। मेरा घर में जाके देखो किए वो लोग, की किया, कोई सामान है कि नहीं खोज लिया, कुछ मिला भी नहीं, देखा भी वो लोग, देखिए भाई। और हम कहाँ रहते हैं वो भी देख लीजिए, हम एक झोपड़ी घर में रहते हैं, हम अपने बहुत गरीब आदमी हैं, हमारा बेटा वही तो क्या बोलता है, कौन सी बोलता है रुद्राना, कौन मोटरसाइकिल है, वही में काम उम करता है, थोड़ा फाइनेंस उनेंस का काम करता है, बैंक में भी जाता है, फेडरल बैंक में भी जाता है, वहाँ पर भी जाके खाता वाता खोलता है, फाइनेंस करवाता है गाड़ी का, वो तो सब कोई जानबे करता है। मेरा लड़का का, हमारा लड़का का तो पूरे फंसाया जा रहा है, हमारा लड़का ऐसा नहीं है सर, हम क्या बोलेंगे। आसानसोल से सौमित्र गांगुली, रिपोर्ट टाइम्स बांग्ला।